नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पीड़ितों की मदद में विलंब और लापरवाही कतई नहीं होनी चाहिए। जनता की समस्याओं के समाधान में किसी तरह की लापरवाही हुई तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई भी तय है। किसी पीड़ित की समस्या के समाधान में अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसका पता लगाकर निराकरण कराया जाए, और किसी स्तर पर जानबूझकर प्रकरण को लंबित रखा गया है तो संबंधित की जवाबदेही तय की जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने ये निर्देश गुरुवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनने के दौरान दिए। मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 300 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। सीएम योगी ने सभी को आश्वस्त किया है कि किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, हर समस्या का वो प्रभावी निस्तारण कराएंगे। इसे लेकर उन्होंने प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों को मौके पर ही दो टूक समझाया कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें। कुछ प्रकरणों में उन्होंने अफसरों को निर्देशित किया है कि ये भी पता लगाएं कि यदि किसी को प्रशासन का सहयोग नहीं मिला है तो ऐसा क्यों और किन कारणों से हुआ है, हर पीड़ित की त्वरित मदद की जाए। उन्होंने जमीन कब्जाने की शिकायतों पर विधि सम्मत कठोर कदम उठाने का निर्देश दिया। हर बार की तरह इस बार भी जनता दर्शन में कई लोग इलाज में आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे थे। इस पर सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि जल्द से जल्द अस्पताल के एस्टीमेट की प्रक्रिया पूर्ण कराकर शासन को उपलब्ध करा दें। इलाज के लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पर्याप्त मदद की जाएगी। क्या है? आपने इतने लंबे एप्लीकेशन क्यों लिखा? कहाँ से हैं? क्या हो गया? ये देखो, ये उरवा बाजार गोरखपुर तत्काल कार्रवाई करें। कहाँ का मामला है? इसको पकड़िए। क्या है? कहाँ का है? कहाँ से? क्या हो गया? आप कहाँ से हैं? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर के निर्देशन में रिजर्व पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस सभागार में SJPU और ASTU की मासिक समीक्षा एवं समन्वयक बैठक पुलिस अधीक्षक अपराध बिंदु प्रभा सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। समीक्षा बैठक में महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी SOP पॉक्सो एक्ट के मामलों में CWC के समक्ष 100% रिपोर्टिंग हेतु बाल कल्याण अधिकारी व उपस्थित मुंशीगढ़ को निर्देशित किया गया है कि बैठक में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष वंदना सिंह, प्रतीक्षा स्नेहालय काउंसलर सीमा सिंह, चाइल्ड हेल्प लाइन वन स्टॉप सेंटर सेफ सोसाइटी से ब्रजेश चतुर्वेदी व प्रभारी निरीक्षक थाना ASTU सुबोध कुमार, उप निरीक्षक सुनील कुमार गुप्ता सहित थाना ASTU के समस्त स्टाफ व सभी थानों के बाल कल्याण अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से संवाददाता से बात करते हुए SP क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने कहा, जैसे कि आप जानते हैं कि जो ASTU थाना है इसके अंतर्गत प्रत्येक माह एक इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है। वही मीटिंग आज डिफेंस सभागार में उसका आयोजन था, जिसमें जो हमारे बुद्धिजीवी संवर्ग के लोग हैं, जो मानव तस्करी पे और बच्चों की रिहैबिलिटेशन वगैरह पे काम कर रहे हैं, वो भी पार्टिसिपेट किए थे। आज मानव तस्करी के संबंध में चर्चा हुई और क्या क्या फैक्टर्स हैं, कैसे लोग हैं या बच्चे हैं जो मानव तस्करी के शिकार बनते हैं, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इसके मानव तस्करी में लिप्त होते हैं, किस तरह से उनको आइडेंटिफाई करना है, कौन कौन से कानूनी प्रावधान हैं जिसके अंतर्गत ऐसे लोगों को हम ला सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो मानव तस्करी का शिकार हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और कैसे उनकी रेस्क्यू होने के बाद उनका रिहैबिलिटेशन किया जाए, इस संबंध में बहुत ही बृहद स्तर पर चर्चा हुई, जिसमें सभी जो इंटर डिपार्टमेंट के लोग थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। साथ ही साथ जो बालश्रम के बच्चे हैं जिनको रेस्क्यू किया जाता है और लगातार उसमें अभियान चलाए जाते हैं श्रम विभाग के साथ में मिलकर के, उन बच्चों को भी रेस्क्यू करने के बाद किस तरह से हम सरकारी स्कीमों के साथ जोड़ें और उसका लाभ उन्हें दें, इस विषय पर चर्चा हुई। साथ ही जो पॉक्सो एक्ट के हमारे विवेचक हैं, बाल सुरक्षा अधिकारी हैं, उनको विवेचना के दौरान क्या समस्याएं आती हैं उस पर चर्चा हुई। साथ ही
इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन जो एक बहुत जरूरी आयाम है उस पर भी चर्चा हुई, और कुल मिला के एक बहुत ही एक हेल्दी एटमोसफेयर है जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स मिलकर बच्चों को रेस्क्यू करने और इन्हें रिहेबिलिटेट करने पर काम कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम सरकारी स्कीमों से जोड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं ताकि उन बच्चों का भविष्य उज्जवल बन सके और वो मेनस्ट्रीम सोसाइटी के साथ जुड़ सके। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक यातायात श्याम देवबिंद के नेतृत्व में नवम्बर महीने में यातायात पुलिस के साथ मिलकर स्कूल कॉलेज के शिक्षक व बच्चों ने यातायात रैली नुक्कड़ नाटक चित्रकला प्रतियोगिता के माध्यम से आम जनमानस को यातायात नियमों के संबंध में जागरूक करने के लिए पूर्व में कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसके संबंध में बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए बृहस्पतिवार को उन सभी स्कूल कॉलेज के बच्चों व शिक्षक शिक्षिकाओं को पुलिस लाइन सभागार में प्रशस्ति पत्र मेडल से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर यातायात निरीक्षक मनोज राय, अजीत पांडे, गंगोत्री देवी महिला महाविद्यालय की प्रधान अध्यापिका पूनम पांडे सहित अन्य शिक्षक और शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। खुशी वर्मा, मनीषा गुप्ता, साक्षी पांडे, नेक्स्ट संजना चौरसिया, उसके बाद नेक्स्ट अंकिता गुप्ता और दीपा दुबे। डिवाइन पब्लिक स्कूल, चौराहे पे खड़े सभी वाहन चालक कृपया ध्यान दें, सिग्नल ये आप लोग कोई रिकॉर्डिंग नहीं सुनते हैं, ये दिन भर बोलते रहती हैं। तो आपने यहाँ के दाग का सामना इन्हीं से होगा। पूरा कार्यक्रम का कवरेज करने वाले और लोगों तक सारे लोग छुट्टी पर चले जाएं, ये लेकिन ये सम्मान हमारे कॉलेज को पहली बार मिला, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स है। और साथ ही मैं यहाँ उपस्थित सभी शिक्षिकाओं का और बच्चों को एक बार पुनः धन्यवाद देती हूँ कि उन लोगों ने, आप लोगों ने साथ मिलकर के जो सहयोग यातायात का दिया है, इसके लिए हम लोगों को खुद तो सब लोगों ने सम्मान दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि एक जोरदार तालियों से सर को काफी स्वागत हम लोग करें। अपने घरों में जाते हैं, समय से पहुँचते हैं, हमारे घर के लोग निकलते हैं, हम वेट करते हैं कि वो कब हमारे घर के समय पहुँच जाएंगे, एक चिंता लगी रहती है कि शायद कोई दुर्घटना ना हो, उससे आज हम लोग पूरी तरह से अपने को सुरक्षित पाते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक श्याम देवबिंद ने कहा, ये यातायात जागरूकता कार्यक्रम में सहभागिता करने वाले ये जो स्कूल कॉलेज के बच्चे थे जिन्होंने हमारे यातायात माह में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए, रैलियां निकाली, नुक्कड़ नाटक किए या चित्रकला के माध्यम से जो है कि आम जनमानस को जागरूक करने का कार्य किया था, उन्हीं बच्चों को आज यहाँ पर सम्मानित किया गया है। उनके जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जिन्होंने हमारा सहयोग किया यातायात जागरूकता कार्यक्रम में,
तो उन्हीं को आज पुलिस लाइन में बुलाकर जो है कि यातायात पुलिस द्वारा सम्मानित किया गया है। माघ मेला व गणतंत्र दिवस के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक रेलवे अवधेश सिंह के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान सभी प्लेटफॉर्म, यात्री हॉल, सर्कुलेटिंग एरिया में घूमकर संदिग्ध व्यक्ति व संदिग्ध वस्तुओं की चेकिंग की गई। साथ ही लाउड हेलर के माध्यम से यात्रियों को जहर खुरानों से सतर्क रहने के लिए जागरूकता किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक रेलवे अवधेश सिंह द्वारा ड्यूटी में लगे सभी अधिकारी व कर्मचारीगण को चोरी, लूट, जहरखुरानी व अन्य आपराधिक मामलों के रोकथाम के संबंध में ड्यूटी में सतर्क दृष्टि बनाए रखने के लिए निर्देशित किया गया। इस दौरान जीआरपी थाना प्रभारी निरीक्षक विजय प्रताप सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक रेलवे अवधेश सिंह ने कहा, आयोजित खिचड़ी मेला कार्यक्रम तथा अयोध्या धाम में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस कार्यक्रम एवं प्रयागराज में आयोजित माघ मेला कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए सभी रेलवे स्टेशनों पर सिविल पुलिस, रेलवे पुलिस और आरपीएफ के द्वारा एक विशेष सुरक्षा प्रबंध किया गया है, जिसके माध्यम से प्रतिदिन प्लेटफार्मों पर सर्कुलेटिंग एरिया और महत्वपूर्ण ट्रेनों को एएसटेक टीम द्वारा क्यूआरटी और विशेष दस्ते द्वारा चेकिंग की जा रही है। रेलवे के पीएस सिस्टम के माध्यम से और थानों पर मौजूद लाउड हेलर के माध्यम से हमारे पुलिसकर्मियों जो प्रशिक्षित हैं उनके माध्यम से जनता को जागरूक किया जाता है कि वो किसी भी संदिग्ध व्यक्ति और वस्तु को दिखाई देने पर पुलिस को सूचना दें और कंट्रोल रूम को सूचना दें, जिस पर त्वरित कार्यवाही की जा सके। सोशल मीडिया हमारा सदैव सक्रिय रहता है और किसी भी प्रकार के अफवाह अगर कोई फैलाने की कोशिश करता है या कहीं से कोई सूचना मिलती है तो उसका सुव्यवस्थित ढंग से खंडन सोशल मीडिया द्वारा तत्काल किया जा रहा है। शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से अगर कहीं से कोई शिकायत मिलती है, हमारा कंट्रोल रूम सूचना देता है, उस सूचना को प्राप्त होने के तत्काल बाद पुलिसकर्मियों द्वारा उसका निदान और निस्तारण किया जा रहा है। इस प्रकार से राजकीय रेलवे पुलिस सदैव यात्रियों के सुखद और मंगलमय यात्रा के लिए संकल्पबद्ध है और कार्य कर रही है। शहर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाए रखने के लिए एसपी ट्रैफिक श्याम देवबिंद द्वारा धर्मशाला बाजार, यातायात चौराहे, गणेश चौराहा सहित अन्य प्रमुख चौराहों पर खड़े होकर लोगों से यातायात नियमों का पालन करने के साथ साथ बाई लेन खाली रखने के लिए जागरूक किया गया। इस दौरान यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों का चालान काटा गया। इस अवसर पर यातायात निरीक्षक मनोज राय, अजीत कुमार पांडे सहित अन्य यातायात पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक श्याम देवबिंद ने कहा, ये यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ व बेहतर बनाने के लिए यातायात पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे सीनियर अधिकारियों द्वारा भी जो कुछ स्ट्रक्चरल इशू आ रहे थे उसके विषय में भी संबंधित विभागों से वार्ता की गई है। हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी, डीजी जोन सर द्वारा भी, कमिश्नर साहब, डीएम साहब द्वारा भी लगातार इसमें प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे कुल 20 चौराहे ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहाँ यातायात का दबाव ज्यादा रहता है, तो वहां पर लेफ्ट लेन फ्री करने के लिए उन पर स्प्रिंग पोस्ट जो है कि लगाए जाने के संबंध में नगर निगम से और जीडीए से पत्राचार भी किया गया है और जल्दी वो लग भी जाएगा। मीटिंग में भी जो है सीनियर अधिकारियों से उनसे कोऑर्डिनेट हो गया है। तो एक तो स्प्रिंग पोस्ट लगाए जाएंगे जिससे बायां लेन फ्री रहे, इमरजेंसी वाहन भी जा निकल सके और किसी को बाएं जाना हो तो वो स्मूथली चल सके, बिना मतलब ट्रैफिक सिग्नल पर उसको रुकना ना पड़े। इसी तरह से कुछ और भी जो अनावश्यक रूप से कई जगह कट हैं डिवाइडर पे, उसको भी बंद करने के संबंध में संबंधित विभाग से वार्ता की गई है। कुछ जगह जो है सर्विस लेन खराब है उसको भी बनाने के संबंध में बात हुई है। ये जल्दी ही ये सब सुधार आपको दिखेंगे।
जल्दी वो बन भी जाएगा। कुछ जगह आवश्यक रूप से पोल जो जगह जगह पड़े हैं जिनकी कोई आज के समय जरूरत नहीं है उसको भी चिन्हित किया गया, वो भी संबंधित विभाग से उसके संबंध में वार्ता की गई है। संबंधित विभाग द्वारा जो है कि मौका मुआयना भी किया जा रहा है और जल्दी ही वो जो है कि अनावश्यक रूप से जो है हट भी जाएंगे और रोड सही भी हो जाएगी। तो ये सारी व्यवस्थाएं अभी की जा रही है। बाकी ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगातार भ्रमण करके चालान जुर्माना की कार्रवाई की जा रही, जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, पैदल भ्रमण करके जो है कि ये ठेले खोमचे वालों को भी व्यवस्थित किया जा रहा है। तो ये सारे अभियान यहाँ पर गोरखपुर में चलाए जा रहे हैं।